हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। रिसेंटली जो न्यूज़ में है कि ईरान अपने न्यूक्लियर डील को जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो जो इनकी न्यूक्लियर डील हुई थी वो JCPOA, उसमें बीच में रुकावटें आ गई थी और उसके कारण जो है सो ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लग गए थे। तो क्या क्या रुकावटें हैं, क्या इसका अभी का रिसेंट डेवलपमेंट है, क्या प्रोसीड्योर हुआ और क्या इसका बैकग्राउंड है, इन सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने मोहम्मद बगैर कलीवफ ने कहा है कि हमें क्लियर डील को रद्द करने में अभी आप मजबूर मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने 3 महीने का डेडलाइन दिया था फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में उन्होंने कहा कि 3 महीने का डेडलाइन है आपके पास और वो डेडलाइन ख़त्म हो रहा है मई 22, 2021 को। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो आया है स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट के, उनके पार्लियामेंटेरियन के प्रेशर के कारण आया है, क्योंकि इसके पहले भी दिसंबर 2020 में वहाँ की पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया था कि उसमें उन्होंने कहा कि हम यूएन के सारे जो इंस्पेक्शन के अथॉरिटीज़ हैं और IAEA के जो अथॉरिटीज़ हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो अथॉरिटी है हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में इंस्पेक्शन करने की और सर्विलांस करने की, ये हम ख़त्म कर देंगे अगर यूरोपियन सेक्रेटरीज जो हैं JCPOA के वो हम पर से ऑयल के और जो बैंकिंग सेक्शंस हैं वो फरवरी तक नहीं हटाते हैं। तो फरवरी तक का टाइम इसमें बिल में दिया गया था दिसंबर में, लेकिन फिर उसके बाद IAEA ने निगोशिएट किया वहाँ पर ईरान के साथ और IAEA ने ये कहा कि ठीक है अभी हम डेटा नहीं आपसे लेंगे, लेकिन ये फरवरी का जो टाइम है इसको आप 3 महीने के लिए बढ़ा दीजिए। तो 3 मंथ का इनको एक्सटेंशन मिला है जिसमें कि ये लोग सर्विलांस कैमरास के और बाकी चीज़ों की डेटा को तो रखेंगे लेकिन वो ये IAEA को प्रोवाइड नहीं करेंगे। IAEA को तभी ये देंगे डेटा सर्विलांस के लिए और उसके एनालिसिस के लिए जब इन पर से ये ऑयल एक्सपोर्ट का एम्बार्गो हटा दिया जाएगा और बैंकिंग सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। बैंकिंग सैंक्शंस जो हैं ये लगाए गए थे इन पे 2006 से लेके 2008 तक के बीच में, आगे इसमें हम लोग देखेंगे, इन पे धीरे धीरे करके बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए जो JCPOA साइन होने के बाद, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जब साइन हुआ 2015 में, तो उसके बाद ये सैंक्शंस इन पर से हटा लिए गए थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस ग्रेजुअली, और उसके बाद ईरान की इकोनॉमी ठीक ठाक चलने लगी थी। लेकिन उसके बाद फिर इसमें दिक्कतें आने लगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद। तो आइए देखते हैं कि JCPOA जो साइन हुआ था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इन वियना, ये हुआ था 14 जुलाई 2015 को साइन, और इसमें P5+1 कंट्रीज थे। P5+1 कंट्रीज थे जिसमें कि P5 जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं वो थे, जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया और चाइना थे, +1 में जर्मनी था। तो ये सारे कंट्रीज ने मिलकर JCPOA साइन किया था जिसमें कि ईरान पर से जो भी ऑयल एम्बार्गोस थे और इकोनॉमिक सैंक्शंस थे वो हटा लिए गए थे, और उसमें ईरान ने बहुत सारी अथॉरिटीज दी थी जो IAEA है उसको कि वो उनके फैसिलिटीज, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सर्विलांस भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या थी कि उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है कंसिडरेबली कम कर लिया था। तीसरी चीज क्या हुई थी वहां पर कि जो उन्होंने जो अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम थे उसको टोन डाउन किया था। चौथी चीज वहां पर हुई थी कि वहां पर सर्विलांस कैमरास इंस्टॉल किए गए IAEA के थ्रू। पांचवी चीज वहां पर हुई कि लगभग 2000 टेम्पर प्रूफ सील्स लगाए थे वेरियस इक्विपमेंट्स पे IAEA ने, जो कि IAEA टाइम एंड अगेन चेक करते रहती थी जब तक कि ये एग्रीमेंट चल रहा था कि इसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई, सील हटाए तो नहीं गए हैं, इन मशीनरीज को फिर से तो यूज नहीं किया जा रहा है। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये डील जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्वेश कर दी, खत्म कर दी। उसके कारण क्या हुआ कि जो सैंक्शंस थे ऑयल एक्सपोर्ट के, जो इम्बार्गो थे और जो बैंकिंग सैंक्शंस थे वो फिर से जो है सो ईरान पे इम्पोज हो गए,
और फिर से ये सैंक्शन ईरान पे इम्पोज होने के कारण क्या हुआ कि ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो गई। अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से री इम्पोज हुआ है ये सैंक्शन, तो डायरेक्ट लॉसेस जो हैं ईरान के वो $100 बिलियन के हैं। ये तो डायरेक्ट इनका नुकसान हुआ है ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होने के कारण और बैंकिंग सैंक्शन के कारण, और अगर इसका क्यूम्यूलेटिव जो लॉस देखेंगे तो वो लगभग $500 बिलियन का जो डिफरेंट एजेंसीज हैं आंकती है कि $500 बिलियन का नुकसान इनको हुआ है ये री इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शन के बाद 2018 के बाद। तो $100 बिलियन का जो डायरेक्ट नुकसान या फिर इनडायरेक्टली अगर क्यूमुलेटिव देखा जाए तो $500 बिलियन का नुकसान, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और ईरान इससे भी जूझ रहा है। और हसन रूहानी टाइम एंड अगेन कोशिश कर रहे हैं कि JCPOA आप रिवाइव कीजिए, हम आपको सर्विलांस करने देंगे, लेकिन ये हमारा जो इकोनॉमिक लॉसेस है जिसके कारण कि ईरान की इकोनॉमी चरमरा गई है इसको किसी तरह से रोका जाए। और इसके लिए उन्होंने जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर तो उनको भरोसा था कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन इलेक्शन जीते और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उसके बाद इन्हें एक उम्मीद जगी कि अब जो है ये न्यूक्लियर डील रिवाइव हो सकती है। तो उसके लिए वहाँ के पार्लियामेंट ने, हमने जैसे पिछले स्लाइड में देखा कि दिसंबर में एक उन्होंने बिल पास किया अपने पार्लियामेंट में कि इसको जो है आप लोग फरवरी 2020 तक रिवाइव कीजिए, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर अभी पेंडेमिक के कारण और बहुत सारे जो इंटरनेशनल इश्यूज रहते हैं उन सब चीज़ों को भी देखना रहता है, तो उसके कारण ये इस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो उसके कारण यहाँ पर होना क्या था कि ये लोग सर्विलांस को सस्पेंड करने जा रहे थे और सारा डेटा जो है सर्विलांस कैमराज का वो हटाने जा रहे थे, डिलीट करने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर IAEA ने अप्रोच किया इन्हें कि 3 महीने का एक्सटेंशन दे दीजिए, लेकिन वो भी 22 मई को ख़त्म होने वाला है। इसके कारण फिर जो है यहाँ पर एक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ये JCPOA फिर जो है डिसरे में जा सकता है, ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी फिर से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है ईरान के कुछ ऑफिशियल्स जो कह रहे हैं कि मे भी इसे 1 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अब देखते हैं बैकग्राउंड क्या है, न्यूक्लियर हिस्ट्री क्या है न्यूक्लियर प्रोग्राम की ईरान की। तो जैसे ही NPT आया, NPT आने के बाद सबसे पहले US ने इसे लाया था, उसके बाद इन्होंने तो इसे साइन कर लिया, उसके बाद ईरान ने भी जो है 1968 में NPT साइन कर लिया, और उसके बाद 1970 से US जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसके फंड करना चालू कर दिया और उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करने चालू कर दिए, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रोग्राम था एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम, इसके तहत यहाँ पर US एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करना चालू किया। और ये इसलिए हो रहा था कि उस समय यहाँ पर शाह की गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप थी, जो कि प्रो यूनाइटेड स्टेट्स थे, तो शाह की गवर्नमेंट होने के कारण यहाँ पर आराम से जो है न्यूक्लियर वगैरह प्रोग्राम वगैरह इनका फंडिंग हो रहा था, इनको इक्विपमेंट्स मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि ये प्रोग्राम जैसे ही आगे बढ़ रहा था तब तक 1979 में शाह की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया, वहाँ पर कू हो गया और क्लेरिक्स जो हैं आयतुल्ला खमीनी वहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट बन गए। और इसके कारण यहाँ पर हुआ ये कि जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो कि आयतुल्ला खमीनी और वहाँ की जो इस्लामिक रिपब्लिक जब बना दिया गया ईरान को तो डर गए, साइंटिस्ट वहाँ से भाग गए, उसके कारण इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया हॉल्ट। और उसके बाद सीधा ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कुछ दिनों तक डिसरे में रहने के बाद यानी कि 1987-88 के आसपास ये जो है फिर से शुरुआत हुई इसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम की, इसको फिर से चालू किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो कि क्लेरिक रिजीम को सपोर्ट करते थे, आयतुल्ला खमीनी को सपोर्ट करते थे, और उसके बाद इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से रिवाइव हो गया। और इसमें जो असिस्टेंस मिला, सबसे पहले असिस्टेंस दिया पाकिस्तान ने, उसके बाद इन्हें असिस्टेंस दिया चाइना ने 1990s में, और उसके बाद रसिया भी इनके असिस्टेंस में आ गया 1992 से 95 के बीच में, इन्होंने रसिया ने भी इन्हें बहुत हेल्प करी। और एक आयतुल्ला खमीनी को
हेल्प करने वाले बहुत बड़े आदमी थे एक्यू खान। एक्यू खान को पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन का फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑफ प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था और ये बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज को हेल्प करना चाहते थे न्यूक्लियर वेपन को गेन करने में। तो इसके कारण यहाँ पर आयतुल्ला खामिनी की हेल्प के लिए एक्यू खान नेटवर्क भी आ गया, जिन्होंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी इनको दिए और इनका जो न्यूक्लियर वेपन का पूरा जो सेटअप है सेंट्रीफ्यूज वगैरह का ये सब स्टैब्लिश करने में इंस्टॉल करने में इनकी हेल्प की। तो ये तो बैकग्राउंड था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो पहले से कंसर्न थे क्योंकि एनपीटी को जो है ईरान साइन तो किए हुए था लेकिन उससे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान नहीं रहा था। दूसरी चीज़ क्या थी कि ईरान हमेशा कहता था कि हम जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे तो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब के टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, वी विल सेंड द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू देम ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था जिसके कारण कि 2003 में IAEA ने कहा वेस्टर्न कंट्रीज को कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं वो सस्पिशियस हैं क्योंकि ये जो स्टॉक पाइल कर रहे हैं न्यूक्लियर का वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ इनकी जो स्टॉक पाइल है इनरिच न्यूक्लियर की, तो इनरिच न्यूक्लियर फ्यूल इनके पास जो है वो बहुत ही हाईली इनरिच है, वेपन ग्रेड का है। तो इस चीज़ के कारण धीरे धीरे इनके अगेंस्ट में जो है सो सेंटिमेंट बनने लगे वेस्टर्न कंट्रीज में। और उसके बाद यहाँ पे 2006 से इन पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशंस पास होने चालू हुए। सबसे पहला रिजोल्यूशन इनके अगेंस्ट में पास हुआ जिसमें कि इन्होंने सैंक्शन लगाए ईरान पे कि आप जो अपना इनरिचमेंट प्रोग्राम हॉल्ट कीजिए, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हॉल्ट कीजिए और वेपन ग्रेड के टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं, वेपन ग्रेड की न्यूक्लियर फ्यूल डेवलप कर रहे हैं, इसे आप स्टॉप कीजिए। ये चीज़ इन्होंने नहीं मानी। उसके बाद पहले इन पे धीरे धीरे 2006 से 2008 के पीरियड में छोटे छोटे सैंक्शंस लगाने चालू किए और लास्टली 2008 में इन पे जो है तो कॉम्प्रीहेंसिव सैंक्शंस लग गए, ऑयल इम्बार्गो लग गया जैसा कि हमने पीछे देखा है, बैंकिंग सेक्टर के इनके जो है सो इम्बार्गो लग गए और उसके बाद लास्टली जो है सो इनकी जो पूरी इकोनॉमी है क्रिपल कर गई और इनको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भी फंड करने में मुश्किल आने लगी। उसके बाद यहाँ पर हुआ निगोशिएशन चालू और निगोशिएशंस बहुत टाइम से चलता रहा। सबसे पहले ये कहते थे कि हम कुछ ही फैसिलिटीज़ को आपको इंस्पेक्ट करने देंगे, फिर कहते थे कि हम अपना स्टॉक पाइल नहीं कम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती रही और लास्टली ये निगोशिएशन होते होते वियना में साइन हुआ ये निगोशिएशन 14 जुलाई 2015 को। तो 14 जुलाई 2015 को ये साइन हुआ और 15 जुलाई को ये फोर्स में आ गया। उसके बाद इनके ऊपर से जो एम्बार्गोस थे ऑयल एक्सपोर्ट के और इकोनॉमी के सैंक्शंस थे जो बैंकिंग सेक्टर के वो सारे हटा दिए गए और उसके बाद लास्टली जो है सो इन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट की कि ठीक है आप जो है आइए ये टाइम एंड अगेन हमारे जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको इंस्पेक्ट करते रहेगी, सर्विलांस रखेगी और जो इनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था उसे भी इन्होंने लगभग 80% तक कम करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था और बहुत सारे इनके सेंट्रीफ्यूज सील कर दिए गए थे जिसमें कि टेम्पर प्रूफ सील लगा दिए गए ताकि ये फिर हायर ग्रेड के यूरेनियम न्यूक्लियर ग्रेड के बॉम्ब बनाने के यूरेनियम को ये इनरिच ना कर सके। तो ये सब चीज़ें हुई लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद भी JCPOA को रिवाइव करने के लिए ये लोग डिले कर रहे हैं जिसके कारण कि ईरान जो है बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों में आगे क्या डेवलपमेंट होती है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है जिसपे कि वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, इसे भी आप ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।